के प्रत्याशी हैं। एक मामला जो है प्रकाश में आया कि पिछले 4 सालों से उन्होंने अपनी इनकम टैक्स जो है वो रेगुलर वो नहीं भरते रहे, और अफरा तफरी में उन्होंने जाके इनकम टैक्स अथॉरिटी से 3 दिन के अंदर अंदर जो है अनुमति ली और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करें। मुझे ये लगता है कि ये पूरा मामला जो है सनसनीखेज, क्योंकि अब वो जो प्ली ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यस्तता के चलते स्टेट अफेयर्स में मैं व्यस्त था तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाया। मुझे ये कहना है कि जो मेंबर पार्लियामेंट है ही इज़ ए लॉ मेकर एंड ही कांट टेक सच एक्सक्यूज एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। वो कहें कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, तो ये मामला जो है पूरा गंभीर है। और हमने निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी ने कि हम इस मामले को जो है आज चुनाव आयोग को हम पत्र लिख रहे हैं और चुनाव आयोग से हम हस्तक्षेप की मांग जो है आज करनी है। ये जो उनकी डिले कंडोन हुई है वो गलत ढंग से हुई है, 3 दिन के अंदर हुई है, एंड व्हाट आर द रीजन विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो वो सारी हम जो है चुनाव आयोग के समक्ष हम सारी बातें रखते हैं और चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उसके बाद हम अगला पग उठाएंगे। पिछले 4 साल की रिटर्न उन्होंने नहीं भरी, ये बहुत गंभीर मामला है। और जैसा मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि एक संसद सदस्य जो खुद कानून का निर्माता है उससे आप इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते। इस ढंग से जयराम जी अपने भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चक्रव्यूह है उसमें फंसे हैं, तो वो अनशंट बयान दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनको अनंत शर्मा जी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए थी। आप जो उन्होंने आरोप लगाए मोदी सरकार पे लगाए, आप उन आरोपों का जवाब देते, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी पे उतर आए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात का निवेदन करूँगा कि वो मुख्यमंत्री के नाते बर्ताव करें, वो इस तरह का माहौल ना बनाए कि दूसरे लोग भी व्यक्तिगत टिप्पणियों पे उतर आए। मैं खुद अधिवक्ता हूँ और भारत सरकार का जो है लगभग 12 साल से ज़्यादा मैं वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हूँ, तो मुझे कानून की जानकारी है। और प्राइमा फिसाई इसमें ये लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया है, एक लापरवाही का मामला है, और एक संसद सदस्य से हम इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते। आज हम पूरे कानूनी पहलुओं की जानकारी देने के बाद जो है इस मामले को जो है चुनाव आयोग के समक्ष रखने वाले हैं।